से निकाल दिया, चलो जाओ, चलो चलो घर से जाओ, घुमाकर लेके आओ। हाँ घुमाकर लाओ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं जा रही हूँ खुर्रम के पास, क्योंकि वहाँ से मेरे डिस्पेंसरी जाना है। मेरे उल्टे हिस्से में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो डॉक्टर से दवाई लेनी है। हुआ कुछ इस तरह है कि मेरा मिट्टू रात को उड़ गया, कल अम्मी की तरफ थे ना हम, तो मेरा मिट्टू उड़ गया, पता नहीं कहाँ चला गया, कुछ समझ नहीं आ रही। इतना दिल उदास है, जगह जगह उसको ढूंढती हूँ, सीटियाँ मारती हूँ, शायद उसकी आवाज़ आ जाए। हाँ जी, मैं दो दिन के बाद फिर आ गई हूँ, क्योंकि उस दिन ब्लॉग बनाया था कि मिट्टू गायब हो गया, यानी कि अपनी शुरू की थी कि मेरा मिट्टू गायब हो गया। तो उसके बाद ना उसी दिन मेरे ना लेफ्ट हैंड में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गई थी, तो मुझे भाई हॉस्पिटल लेकर गया हार्ट के, तो उन्होंने कहा कि कोई टेंशन ले लिया आपने, जिसकी वजह से आपकी ये पेन हो रहा है। तो उसी दिन मुझे बुखार भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था, क्योंकि एक फ़र्द कम हो गया था घर का, तो अब रोज़ाना उसको ढूंढती थी, शायद यहाँ नज़र आ जाए, शायद यहाँ नज़र आ जाए, मगर वो नज़र ही नहीं आता। तो उदासी से हो गई है घर के अंदर, क्योंकि वो एक घर का फर्द था 9 साल, यानी कि जब वो इतना सा था ना, तब मैंने उसको पालना शुरू किया था। और हमने मुझे बर्थडे पे दिया था, मेरी सालगिरह पे दिया था, तो बहुत मोहब्बत से उसको पाला था। तो फिर वो अब चला गया, तो अब उसको नज़रें ढूंढती रहती कि शायद यहाँ नज़र आ जाए, शायद यहाँ नज़र आ जाए, मगर शायद उसको ज़्यादा पसंद थी, वो नहीं रहना चाहता था अब यहाँ पे। तो अब ये दुआ करती हूँ जहाँ रहे वो खुश रहे, मगर उसको उड़ना नहीं आता था। क्या हुआ फातिमा? झाड़ू पकड़ लिया। तुमने झाड़ू देना है? गंदा बच्चा, इधर आओ। ये तो चलें जी, अब क्या कर सकते हैं, होनी को कौन डाल सकता है, गए हुए को वापस उठा नहीं सकते। खुदा की तरफ से उसे कुछ हो जाए तो आ सकता है, नहीं तो नहीं। जहाँ रहे खुश रहे, खाना खाता रहे। चलें जी, दिन का खास करते हैं। मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी, आज पूरम घर पे हैं, उन्होंने मंडे और ट्यूसडे छुट्टी ली थी। मंडे की तो छुट्टी होती है, ट्यूसडे की इसलिए छुट्टी ली थी कि खाला का आज ऑपरेशन है, तो इस वजह से। तो क्या कहते हैं, अब नाश्ता की तैयारी करते हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं। चलें जी, पराठे बनाती हूँ, रोज़ाना ही जैसे पराठे बनाती, तो पराठे बनाने की क्या ज़रूरत है दिखाने की, बाकी का दिन दिखाऊंगी आपको। बेबी दोनों गए, चलो चलो। बेबी ये क्या किया? लग गई आपके? नहीं, ये क्या किया? देख क्यों गिरा? आओ खुरम से शिकायत लगाती हूँ। खुरम, बेबी को गिराया बेबे ने, ये बेबे ने बेबी को गिराया। आज मियाँ साहब घर पे हैं और कपड़े धोए थे, अब वो तय लगाऊंगी, क्योंकि खाला गई हैं हॉस्पिटल। तो मोहम्मद समीर देखे जी खड़ा है, मैंने इधर सफाई कर लिया, मैं बर्तन धोऊंगी और साथ मैंने पकाना है माश की दाल बना लूँ। समीर आज माश की दाल बना लूँ, आप खाते हो हैं समीर? हमारी लग के लिए क्या? हाँ जी, आज मैं छत पे इसलिए आई हूँ क्योंकि कपड़े कल धोए थे, फातिमा को भेजा, तो फातिमा ने जो है कभी कोई कपड़ा, अम्मा वो कपड़ा हमारा है, अम्मा वो कपड़ा, अरे जो कपड़ा हमारा है तो वो लेकर आओ ना नीचे। अब मैं ऊपर आई हूँ, मैंने कहा देखती हूँ इतना ढेर कपड़ों का, फातिमा को कोई काम कह दूँ ना, उसको ना मसला नज़र आता है कि मैं करूँ, मैं ही रह गई हूँ। तो अगर आज घर पर हो तो मेरी हेल्प करवा दो आप। नहीं, गुस्सा ही रहते हैं हर वक्त। तो अब जाऊंगी नीचे, दाल पकानी है। और ना मौसम में इतनी तपिश नहीं रही, क्योंकि अक्टूबर माशाल्लाह से चढ़ गया है, तो ठंडक का मौसम शुरू होने वाला खैर से, और अल्लाह ताला सब की हिफाजत करे और मौसम अच्छा रखे, आमीन। चलिए अब नीचे चलती हूँ, और यहाँ हमारा बैग गिरा हुआ है। ट्रंग, कोई हाल नहीं मेरे बच्चों का, अब ये इनसे कहूंगी ये लेकर आएंगे। तुम दोनों को मैंने घर से निकाल दिया, चलो जाओ, चलो चलो घर से जाओ, घुमा कर लेके आओ। हाँ घुमा कर लाओ। हाँ चलो चलो जाओ। सानिया के साथ समीर को भी निकाल दिया घर से मैंने, निकाल दिया है। अंदर नहीं आना अब,
तुम्हें अब किक भी नहीं मिलना मिस्टर समीर, किक नहीं मिलना मैं ज्यादा फ्री नहीं करती, मैं ज्यादा फ्री नहीं करती। हाँ जी क्या काम है क्या काम है हाँ जी हाँ तुम क्या करने आ रहे हो अंदर